नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि आप और मैं जानते हैं कि पेट्रोल आजकल काफ़ी चर्चा में चल रहा है। पेट्रोल का भाव तेजी से बढ़ते जा रहा है और इसलिए हमारे और आपके सवालों का जवाब देने आज श्री श्री पेट्रोल जी ने कॉन्फ्रेंस बुलाई है। तो आइए देखते हैं क्या चल रहा है। अरे 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 खोल भाई। तेरे को क्या लगता है पेट्रोल का भाव फिर से बढ़ेगा क्या? क्या पता क्या होगा, पर मेन बात तो ये है कि ये पेट्रोल आज अपने सवालों का जवाब देगा कि नहीं। देख अपना देगा कि नहीं वो मेरे को नहीं पता, उसका जरूर देगा। ये देख देख पेट्रोल सारा ये पेट्रोल का पेट्रोल। ए, ये कोई जगह है सब करने की? ये आपका स्मेल ही अच्छा है, क्या करूं? बिफोर एनी क्वेश्चंस मीटर पे जीरो चेक कर लो। यस यो। देखा देखा बोला था ना मैं चमड़ी है साला। सर आपको इस मुकाम पर पहुंच के कैसा लग रहा है? ये सवाल तो आपको जनता को करना चाहिए, मैंने तो बस आपकी जिंदगी आसान की है। सर, डोंट यू थिंक पिछले 3 सालों में आपके भाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए? मैडम, डोंट यू थिंक पिछले 3 साल में आपकी सैलरी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है? भाव तो सब चीज़ के बढ़े, टारगेट सिर्फ पेट्रोल की होता है। यहाँ कोई ढंग के सवाल पूछेगा मैं जाऊँ? अरे थोड़े ढंग के सवाल पूछो। सर आपकी हिस्ट्री के बारे में कुछ बताइए। हाँ सर, हमें आपकी बैक स्टोरी जाननी है। इंटरेस्टिंग। सर आप हमें आपके बारे में सब बता सकते हैं? Where you were born, who discovered you, everything. ये कहानी थोड़ी थोड़ी लंबी है, पेशेंस चाहिए रहेगा। यूजुअली 8 से 9 मिनट की स्टोरी होती है, पर ये बार टाइम थोड़ा ज़्यादा लगे। सर लाइव भी कर दिया, सुना? तो कहानी शुरू होती है सऊदी से, जहाँ एक आला बीबी फरिश्ते के रूप में आया और मुझे कुएं से ढूंढकर आजाद कर दिया। हाय बीबी, हम तुम्हारी मदद करती, रुकती पकड़ती। तुम में कुछ अलग बात होती। होती नहीं, होता। अरे हम बोलती होती है? तुम हीरा होती और हीरे का परख सीधे एक जुआरी करती है। तुमको हम कुएं से निकाल के आसमान तक लेके जाती और तुम दुनिया पे राज करती है। तुम्हारा नाम क्या होती? पप पत्रेज अल्फकीर रहमतू है। इसका इसका कोई जरूरत नहीं होती, हमारे साथ चलती, हम तुमको फ्लेवर बनाना सिखाती। और देखते ही देखते मैं पेट्रोल अल्फकीर रहमतू से बन गया पेट्रोल। पैसा तो मानो सच में पेड़ पर उगने लगा और पूरे अरब में पेट्रोल की महक फैलने लगी। दुर्बल सरबात है दुमिले सिन मिने रला बाजो पेट्रोल पर मेरा समय लगा फोहा इसके लिए मेरे सुन मिले इधर से आती उधर से जाती पेट्रोल दोनों से आती। अल हबीबी अल हबीबी अल हबीबी वाह। हमारा कारोबार पूरे अरब में फैलने लगा, पेट्रोल लोगों की जरूरत बन गया और पूरा अरब मेरी मुट्ठी में। क्या सोचती तुम?
यही की बहुत हो गया छोटा मोटा गेम। इट्स टाइम टू गो इंटरनेशनल। कुएं से निकलने वाले समुंदर के सपने देखने लगे। सपने देखोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। तुम हमको छोड़ के जाएगी? कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी, और हम अपनों का साथ कभी नहीं छोड़ते। सर, हाँ तो सर, आप इंडिया में कब आए और आपने इंडिया में ऐसा क्या देखा जो आपने इंडिया में अपना बिजनेस इतना एक्सपांड किया? हिंदुस्तान के लोगों को चलता देख मैं समझ गया था कि मुझे हिंदुस्तान की नहीं, हिंदुस्तान को मेरी जरूरत है। और उस दिन मैंने ठान लिया कि पेट्रोल अब पूरे हिंदुस्तान में महकेगा। देखो मंत्री जी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भारत में आने से भारत का काफी विकास हो सकता है, और अगर आपका साथ मिल गया ना तो फिर तो साथ में मचाएंगे। हाँ, आप क्या बोलते हो मंत्री? तो स्ट्रगल जैसी है, आपने तो कभी स्ट्रगल ही नहीं किया है ना। स्ट्रगल के बारे में तुम लोग क्या जानो? तुम लोग के हाथ में तो जो गुलाब आता है वो भी कांटों से छट कर आता है। सर, हमें उन्हीं कांटों के बारे में जानना है। We want to know about your struggle। और सर, कोई तो होगा जिसने आपके रफ्तार पे ब्रेक लगाया होगा। आया था जो मुझे टक्कर देने चला था। आला होता है मुट्ठा शाना। साला कितना महंगा हो गया यार पेट्रोल। हाँ ना भाई, परवर रहा नहीं, ये वैगनर पे भी परवर रहा नहीं। वही ना। अरे अपू ने ना आवाज आया क्या? लगता है डिक्की से आया ना। क्या बोलता है पब्लिक? अरे पैसे का नहीं, टेंशन नहीं लेने का, अपू लेना तेरा भाई है यारे, तो कुछ सस्ता गिरेगा। अरे सीएन भाई, सीएन भाई। सीएन नहीं बोलेगा, रिस्पेक्ट से बात कर। अरे सीएनजी सर। सीएनजी की एंट्री से बड़ा पेट्रोल की क्षमता पर सवाल। क्या होगा पेट्रोल का? क्या पेट्रोल टिक पाएगा? दो भारी योद्धाओं के बीच कौन होगा विजय? सीएनजी वर्सेस पेट्रोल। भाई एक लफड़ा हो गया। क्या हुआ? वो मार्केट में एक सीएनजी नाम का छोकरा आया, बहुत उड़ रहा है, और ऊपर से वो लोग भी बहुत वाहवाही कर रहे उसकी। आप बोलो तो सीएनजी बोला उसको।
क्या बे अपने ही एरिया में आके अपन से पंगा लेगा तू? एरिया एरिया तो कुत्तों का रहता है ना। मजाक लग रहा है तेरे को? मजाक इधर जो भी कुछ हो रहा है तेरे को मजाक लग रहा है? मजाक नहीं हो रहा है। तेरे को पता है ना तू किडनैप हुआ है? किडनैप पहले बोलने का ना, तुम लोग किडनैप किया मेरे को। अरे हाथ भी नहीं बांधा, मैं डरता था ना थोड़ा सा। क्या तुम लोग गुंडा बनेगा रे? ये सुन, मेरा नाम पेट्रोल है, पेट्रोल, और तू सीएनजी, तो अपनी औकात में रह। एक मिनट, ये रहे ना पूरा डॉन जैसा लगता है कि इधर डॉन किधर, इधर का। अरे और एक बात, ये जो पैंट पहना है ना तू, बेल बॉटम वाला, ये 90s का है, ओल्ड फैशन है। ऐसे पहनने का नरे ओल्ड पैंट को ऐसे चिपक के रहते ना, वैसे पहनने का। ये क्या दो दो पैर जाएगा इसमें? नहीं पहना, ओल्ड फैशन है। तेरे को जोक मारने का बहुत आदत है ना, एकदम खुश खुश रहता है। हाँ, ऐसे ही हंसते हंसते सुबह न्यूज़ चैनल देखना, तेरे को सब मालूम पड़ जाएगा मैं कौन हूँ, ठीक है ना? न्यूज़ चैनल कैसे देखना? इसको यहीं पर छोड़ दो। छोड़ दो मतलब? देख तुम लेके आए थे ना मेरे को गोली डाल के, अरे मेरे को रास्ता भी नहीं मालूम। ए तुम छोड़ के आना मेरे को। अरे ओए, ये क्या सुनने में आ रहा है? क्या कर रहा है कल तू? आपको ये पूछने के लिए नहीं बुलाया कि करूँ या नहीं, आपको ये बताने के लिए बुलाया कि कर रहा हूं, संभाल लेना जो भी होगा कल। बताया जा रहा है कि कार और ऑटो रिक्शा की भयानक टक्कर होने की वजह से ऑटो रिक्शा का सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और ऑटो रिक्शा और कार दोनों में भयानक आग लग गई। अनफॉर्चुनेटली वी हैव सीन अ लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स बिकॉज ऑफ सीएनजी। दिस हैज कॉज्ड अ मेजर ड्रॉप इन द सेल्स ऑफ सीएनजी बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स एंड ब्लास्ट कॉज्ड ड्यू टू सीएनजी व्हीकल्स। पीपल हैव लॉस्ट देयर ट्रस्ट इन सीएनजी एंड स्विच टू पेट्रोल। He was tough. He was good. काफ़ी यंग भी था, कैश भी बहुत थी उसमें, पर मेरे सामने थोड़ी कंप्रेस हो गई और उस दिन के बाद से मेरी रफ्तार को कभी भी कोई ब्रेक नहीं लगा पाया। पेट्रोल ने दी सीएनजी को कड़ी मार। पेट्रोल इज बैक इन बिजनेस। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर हैं। फ्यूल प्राइसेस एट अ रिकॉर्ड हाई। तेल के लगातार बढ़ते दामों की वजह से आम जनता परेशान है। विपक्ष को एक बना बनाया मुद्दा मिला हुआ है। विपक्ष लगातार इसके जरिए सरकार पर हमलावर होने की कोशिश कर रही है। और सर, आम जनता को यह डर है कहीं रेट 3 डिजिट में ना चले जाए। सर, ये एक्टिवा का टंकी 350 में फुल हो गया है, 450 में बराबर। सर, लेट्स स्टॉप रनिंग अराउंड द बुश, टेल अस पेट्रोल का नया प्राइस क्या होगा। दिस टाइम इट्स निक्ड, इट्स बीन टेकन, फक, ही गोस फॉर 99, कामरान अकमल विद अ फैंटास्टिक कैच। साला मैं कभी नर्वस 90s में आउट नहीं होऊंगा। सचिन का सपना तो अपुन ही पूरा करेगा। 100,
खाली करो, इलेक्ट्रिक बाय ईवी बाय, चलो निकलो। ये वही ईवी है जिसके मार्केट में बहुत चर्चे चल रहे हैं। बैटरी, हिंदुस्तानी उतने बेवकूफ नहीं जितना तू समझता है। पेट्रोल ट्रेंड बदल गया। सही कह रहा है तू, ईवी ट्रेंड बदल गया है। और मैंने तो ये भी सुना है कि ईवी आवाज और पोल्यूशन भी नहीं करता, सिर्फ फड़े एवरेज देता है, है ना? देख ईवी, मैंने अपने कुओं से दुनिया के कई मुल्कों को अपने मुट्ठी में कर लिया है, लेकिन हिंदुस्तान में अपनी सल्तनत चलाने के लिए मुझे तुझ जैसा एक ट्रेंड सेटर चाहिए जिसकी टेक्नोलॉजी एकदम नई हो, जो एकदम नए दिमाग से सोचता हो। देख ईवी, मैं अपनी आधी गाड़ियां तेरे नाम कर दूंगा, लेकिन 51 मेरा और 49 तेरा। बहुत पैसा कमाएगा, बन जा मेरा गुलाम। क्या बोलता है ईवी, दोनों मिलके बेच डालते हैं हिंदुस्तान को। बोल ना कुछ, अभी बोल सकता है। पता नहीं सऊदी की साजगार जमीन पर तुझ जैसा सांप कैसे पैदा हो। ये तो शुक्र मान तू मेहमान है इसलिए बच गया, वरना तेरे टंकी का ढक्कन खोल के तुझे उड़ा देता, माचिस की तिल्ली से तुझे जला देता। तेरी ज़बान बहुत चलती है ईवी। चार्जिंग ज़्यादा चलता है। मेरे टॉर्क को मत भूल तू। मुझे याद रखने की ज़रूरत नहीं। चार्जिंग खत्म हो जाएगी। टाटा चार्जिंग स्टेशन्स लगवा रहा है। फ्लॉप जाएगा तू। तू अपनी सोच। देखो आने में टाइम है। तेरा जाने का टाइम है। तेरा कोई माई बाप नहीं। लगता है तूने टेस्ला के बारे में सुना नहीं। कसला? टेस्ला। इतना गुरु ठीक नहीं ईवी। तू अपनी सोच। सर पर हैवल्स वायर लगाने वाले चिंगारियों से नहीं डरते। चल अब दफा हो, निकल जा मेरे हिंदुस्तान से। लॉस्ट। बॉयज लेट्स गो। अरे सर, गाड़ी भी चार्जती हुई है। क्या हो गया सर? लेट्स वेट, फुल चार्ज होने दो। उस दिन के बाद पेट्रोल हिंदुस्तान से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। लेकिन कुछ लोग हैं जो आज भी कहते हैं कि पेट्रोल कहीं दूर आज भी वापसी की तैयारी कर रहा है। हेलो, ईवी से बदला लेने का वक्त आ गया है।